नमस्ते। आईटी में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स जो इंजीनियरिंग ड्राइंग की तैयारी कर रहे हैं और सेकेंड ईयर इलेक्ट्रिकल ग्रुप के अंदर हैं, आज हम इसके सब कंपोनेंट्स इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में। एक सरल विद्युत चुंबक कहलाता है। ये विद्युत धारा के प्रभाव से जिस लोहे में चुंबकत्व उत्पन्न होता है उसे इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। इसके लिए लोहे पर तार लपेटकर उस तार से विद्युत धारा बहाकर लोहे को चुंबकित किया जा सकता है। लोहे पर चुंबक रगड़कर लोहे को चुंबकीय किया जा सकता है जो विद्युत चुंबकत्व नहीं है। तो प्रिपरेशन ऑफ आर्टिफिशियल मैग्नेट, कृत्रिम चुंबक बनाना। किसी कॉइल या सोलेनोइड में करंट प्रवाहित करके नरम लोहे की छड़ को चुंबक बनाया जा सकता है, जबकि नरम लोहे की छड़ कॉइल के बीच रखी गई हो और प्रवाहित होने वाली करंट डीसी हो। इस प्रकार बनाया गया चुंबक विद्युत चुंबक कहलाता है। विद्युत चुंबक में निम्न विशेषताएं होती हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट का सिंपल आरेख है। विशेषताएं, इसकी चुंबकीय शक्ति करंट मान को घटा बढ़ाकर क्रमशः घटाई बढ़ाई जा सकती है। इसकी ध्रुवता परिवर्तित की जा सकती है, यानी करंट प्रवाह की दिशा परिवर्तित करके। इसकी चुंबकीय शक्ति स्थायी चुंबकों की अपेक्षा हजारों गुना अधिक हो सकती है। अनेक प्रकार के यंत्रों एवं उपकरणों में केवल विद्युत चुंबक ही प्रयोग किए जा सकते हैं, जैसे चुंबकीय लिफ्ट, आँख में पड़े लोह कण को निकालने वाला डॉक्टरी यंत्र इत्यादि। उपयोग, विद्युत घंटी, रिले, मोटर, जनरेटर, विद्युत मापक यंत्र आदि में इनका उपयोग किया जाता है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट या विद्युत चुंबक का एक और आरेख दे रखा है, जिसके बीच में है लैमिनेटेड कोर है और उसके ऊपर एक कोइल और उसको एसी सप्लाई दे करके विद्युत चुंबक में कन्वर्ट किया जा सकता है। अब आता है LDR या प्रकाश निर्भर प्रतिरोधक, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। इसका निर्माण सिलीनियम से किया जाता है। इसकी विशेषता यह है कि प्रकाश किरणों के आपतन से इसका रेजिस्टेंस मान घट जाता है और इसमें से प्रवाहित होने वाली करंट का मान बढ़ जाता है। दूसरे शब्दों में यह प्रकाश सुग्राही रजिस्टर यानी फोटो सेंसिटिव रजिस्टर है। इसका उपयोग प्रकाश नियंत्रित कंट्रोल सर्किट में किया जाता है। इसके उपयोग से किसी संकरे मार्ग से गुजरने वाले व्यक्तियों की गणना करने वाला यंत्र, कार या टॉर्च के प्रकाश से खुलने वाला दरवाज़ा, सूर्य के प्रकाश में स्वतः बंद हो जाने एवं अंधकार में स्वतः चालू हो जाने वाली स्ट्रीट लाइट आदि की व्यवस्था की जा सकती है। तो एक LDR का प्रतीक का चिन्ह आपके सामने है। अब आता है सोलेनॉइड वाल्व। एक सोलेनॉइड वाल्व एक विद्युत यांत्रिक वाल्व है जिसका प्रचालन ऑन ऑफ सोलेनॉइड कुंडली में से विद्युत धारा प्रवाहित कर नियंत्रित किया जाता है, इसलिए इसका नाम सोलेनॉइड वाल्व रखा गया है। सोलेनॉइड वाल्व प्रयोग करके किसी तरल पदार्थ जैसे जल के प्रवाह को सोलेनॉइड में से प्रवाहित धारा को ऑन या ऑफ करके ऑन या ऑफ किया जा सकता है। संरचना, एक सरल सोलेनॉइड वाल्व की संरचना चित्र में अभी दिखाएंगे। इसमें एक तरल कक्ष होता है जिसमें दो पाइप इनलेट और आउटलेट जुड़े होते हैं। इनलेट एवं आउटलेट पाइप्स पर एक प्लंजर से एक वाल्व जुड़ा होता है। प्लंजर को सोलेनॉइड में स्थापित किया जाता है। त्रिमार्गी सोलेनॉइड स्विच भी होते हैं जिनमें वाल्व मुख्य पोर्ट को दो दूसरे पोर्ट्स में से किसी भी एक को जोड़ सकता है। तो ये आपके द्विमार्गी सोलेनॉइड वाल्व का सरल आरेख है। इनलेट फ्लूइड और इधर आउटलेट फ्लूइड है, इसको सोलेनॉइड वाल्व द्वारा जोड़ गया है। प्लंजर है, फ्लूइड चैम्बर है। इसकी कार्यप्रणाली, स्विच एस को ऑन कर देने पर सोलेनॉइड में से धारा प्रवाहित होती है और प्लंजर ए प्लंजर बी को आकर्षित कर लेता है। वाल्व ऊपर उठ जाता है और तरल पदार्थ का प्रवाह इनलेट पाइप से आउटलेट पाइप में होने लगता है। जब स्विच एस को ऑफ कर दिया जाता है तो सोलेनॉइड की उत्तेजना समाप्त हो जाती है और प्लंजर बी वाल्व सहित मुक्त हो जाता है और तरल पदार्थ का प्रवाह
प्रवाह रुक जाता है। ये तीन प्रकार के होते हैं, एक अथवा दो वाल्व वाले, डीसी या एसी प्रचालित वाल्व, वाल्व में मार्गों की संख्या के अनुसार। अनुप्रयोग, इसके उपयोग क्या है? सोलेनोइड नियंत्रक वाल्व का उपयोग तरल पदार्थों का प्रवाह रोकने, मुक्त करने, वितरित करने अथवा उन्हें मिश्रित करने के लिए निम्नवत प्रयोजनों में किया जाता है। स्वचालित सिंचाई फव्वारा, घरेलू वॉशिंग मशीन, दंत चिकित्सक कुर्सी, जल शुद्धकारी उद्योगों की न्यूमेटिक एवं हाइड्रोलिक प्रणालियों में तरल पदार्थों का प्रवाह नियंत्रित करने हेतु। अब देखिए थर्मोस्टेट के बारे में पढ़ते हैं। थर्मोस्टेट शब्द का अर्थ है निश्चित ऊष्मा या नियत ऊष्मा। थर्मोस्टेट एक द्विधात्विक युक्ति है जिसका उपयोग विद्युत इस्त्री, विद्युत चूल्हा, विद्युत भट्टी, गीजर आदि अप्लायंस को एक पूर्व निर्धारित तापमान पर ऑन या ऑफ करने के लिए किया जाता है। इसकी संरचना, इसमें एक द्विधात्विक पत्ती होती है जिसमें दो भिन्न रैखिक प्रसार गुणांक रखने वाली धातुओं जैसे कॉन्स्टेंटन या व तांबा को जोड़कर बनाया जाता है। द्विधात्विक पत्ती को एक समायोजक पेच के साथ इस प्रकार स्थापित किया जाता है कि वह साधित्र के तापमान में वृद्धि अथवा ह्रास के अनुसार फैल या सिकुड़ सके। द्विधात्विक पत्ती से जुड़े दो संयोजक बिंदु साधित्र के वैद्युतिक परिपथ के लिए ऑन ऑफ का कार्य करते हैं। तो ये थर्मोस्टेट का एक सिंपल आरेख दे रखा है। कार्य प्रणाली, सामान्य तापमान पर द्विधात्विक पत्ती सीधी रहती है। जब पत्ती के आसपास का तापमान एक पूर्व निर्धारित तापमान से अधिक हो जाता है तो वह नीचे की ओर मुड़ जाती है, क्योंकि तांबे का रेखीय प्रसार गुणांक कॉन्स्टेंटन से अधिक होता है। पत्ती के नीचे की ओर मुड़ने से NO स्पर्श बिंदु जुड़ जाते हैं और वैद्युतिक परिपथ ऑन हो जाते हैं। थर्मोस्टेट का उपयोग किसी साधित्र के वैद्युतिक परिपथ को ऑफ करने के लिए किया जा सकता है। इस प्रयोजन हेतु द्विध्रुवीय पत्ती को विपरीत अवस्था में प्रयोग किया जाता है, अर्थात कॉन्स्टेंटन पत्ती ऊपर की ओर तथा तांबे की पत्ती नीचे की ओर। इसके अतिरिक्त NO यानी सामान्य खुले स्पर्श बिंदु के स्थान पर NC सामान्यतः बंद स्पर्श बिंदु प्रयोग किए जाते हैं। द्विध्रुवीय पत्ती ऊपर की ओर मुड़ती है और साधित्र का वैद्युतिक परिपथ ऑफ हो जाता है। अनुप्रयोग, थर्मोस्टेट का उपयोग विद्युत इस्त्री, विद्युतिक चूल्हा, गीजर आदि को एक पूर्व निर्धारित तापमान पर तापन रोकने के लिए किया जाता है। रेफ्रिजरेटर तथा एयर कंडीशनर में इसका उपयोग एक पूर्व निर्धारित तापमान पर शीतलन रोकने के लिए किया जाता है। अब आता है PT100 सेंसर। PT100 का अर्थ है प्लेटिनम प्रतिरोधक संवेदक, जिसका प्रतिरोध 0°C पर 100 ओम है। यह अत्यंत लघु आकार 1 से 5 mm व्यास तथा 10 से 15 मिलीमीटर लंबाई में बनाया जाता है। संवेदक का प्रतिरोध प्रति 1 °C तापमान वृद्धि से 0.384 ओम बढ़ता है, अतः 100°C इसका 100°C पर इसका प्रतिरोध 138.4 ओम हो जाता है। PT500 तथा PT1000 संवेदक भी होते हैं। PT500 संवेदक का प्रतिरोध 0°C पर 500 ओम तथा PT1000 का प्रतिरोध 1000 ओम होता है। संरचना, इसमें एक सेरामिक नली होती है और उस पर प्लेटिनम तार लपेटा हुआ होता है। यांत्रिक कंपनों आदि से सुरक्षा हेतु इस पर एक सेरामिक पदार्थ की परत चढ़ा दी जाती है। यह संयोजन एलिमेंट कहलाता है। एलिमेंट को नली का खोल में स्थापित कर दिया जाता है और खोल से दो संयोजक तार बाहर निकाल दिए जाते हैं। देखिए चित्र, ये कनेक्टिंग लीड्स, इंसुलेटर कैप, सेरामिक ट्यूब, प्लेटिनम वायर, सेरामिक कोटिंग, केस, डायमीटर 5 mm है, लंबाई 10 से 15 mm। तो PT100 सेंसर का ये सिंपल आरेख है। कार्य का सिद्धांत क्या है इसका? इस संवेदक में तापमान परिवर्तन से प्रतिरोध मान में होने वाले परिवर्तन को तापमान की माप के रूप में प्रयोग किया जाता है। तापमान परिवर्तन से प्रतिरोध मान में होने वाले परिवर्तन को निम्नवत व्यंजक से दर्शाया जा सकता है। R=R0(1+α1t+α2t²+(n) आर संवेदक का प्रतिरोध ओम में है, R0 0°C पर तापमान है और T तापमान या अंश सेंटीग्रेड में है।
अल्फा वन, अल्फा टू और अल्फा एन ये रेखीय प्रसार गुणांक हैं ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड में। संवेदक में धारा एवं वोल्टता, संवेदक में से प्रवाहित की गई एक मिली एम्पियर धारा 100 माइक्रोवाट ऊष्मा उत्पन्न करती है और यह 1000 माइक्रोवोल्ट का संकेत विकसित करती है। एक लघु तापमान परास रेंज में तापमान तथा प्रतिरोध का संबंध रैखिक होता है। 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर 0.4 डिग्री सेंटीग्रेड की त्रुटि संभव है। संकेत वोल्टता के एम्पलीफिकेशन के लिए ऑपरेशनल एम्पलीफायर प्रयोग किया जाता है और संवेदक को माइक्रो कंट्रोलर अथवा कंप्यूटर से संयोजित करने के लिए RS485 इंटरफेस प्रयोग किया जाता है। अब आता है LED लाइट इमिटिंग डायोड। LED ये एक विशेष प्रकार का डायोड है जो सामान्य अर्धचालक डायोड से भिन्न होता है। इसमें जर्मेनियम या सिलिकॉन पीएन जंक्शन के स्थान पर गैलियम आर्सेनाइड अथवा गैलियम फास्फाइड पीएन जंक्शन प्रयोग किया जाते हैं। यह युक्ति विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में विभिन्न प्रकार के दृश्य प्रदर्शन कार्यों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। सामान्य डायोड में होल्स तथा मुक्त इलेक्ट्रॉन के पुनर्मिलन क्रिया के समय पैदा हुई ऊष्मा अर्धचालक पदार्थ द्वारा शोषित कर ली जाती है, परंतु LED में पुनर्मिलन की दर इतनी अधिक होती है कि पीएन जंक्शन दृश्य एवं अवरक्त प्रकाश किरणों के रूप में ऊर्जा पैकेट्स फोटॉन्स मुक्त करने लगता है। सामान्य प्रकार के LED 1 वोल्ट से 3 वोल्ट की फॉरवर्ड बायस पर 10 से 15 मिली एम्पियर धारा दर पर प्रकाश उत्सर्जित करती हैं। ये 4 विभिन्न रंगों में बनाए जाते हैं, हरा, लाल, पीला और नीला। अब आपके सामने एक LED परिपथ है जिसमें एक LED लगा हुआ है। अब आता है फोटोडायोड, जिसे हम फोटोवोल्टेइक सेल भी कहते हैं। यह LED की विपरीत युक्ति है जो प्रकाश को वैद्युतिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। इसमें सिलिनियम या सिलिकॉन की एक बहुत पतली 0.0002 से 0.0006 इंच पट्टी होती है। सिलिनियम पट्टी पर प्रकाश किरणों के आपतन से इसमें इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो जाते हैं। फोटोडायोड का प्रतीक देखिए इस प्रकार है। तो इस प्रकार के सेल फोटो कैमरे की फ्लैशलाइट में, कैलकुलेटर जैसे लघु इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में और अंतरिक्ष यानों में विद्युत स्रोत के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। अब फोटो ट्रांजिस्टर। फोटोडायोड की भांति ही फोटो ट्रांजिस्टर भी प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली अर्धचालक युक्ति है। इसमें एक प्रकाश सुग्राही बेस होता है तथा इसका खोल पारदर्शी होता है। ट्रांजिस्टर की शेष संरचना सामान्य PNP ट्रांजिस्टर के समान होती है, जैसे कि AC 126। जैसे ही प्रकाश किरणें बेस पर पड़ती हैं, एक वैद्युतिक संकेत पैदा हो जाता है और ट्रांजिस्टर उस संकेत का प्रवर्धन कर देता है। यही फोटो ट्रांजिस्टर की फोटोडायोड की तुलना में विशेषता है। बेस का निर्माण सिलिनियम या सिलिकॉन तत्व से किया जाता है, क्योंकि इन तत्वों में प्रकाश किरणों के आपतन से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन का गुण विद्यमान होता है। फोटो ट्रांजिस्टर का ये प्रतीक अब आपके सामने है। प्रतीक पूछ सकते हैं, डिटेल में आपको नहीं लिखना है, लेकिन इंजीनियरिंग ड्राइंग में ये जितने भी कंपोनेंट्स हैं इनके प्रतीक आपसे पूछे जाएंगे। एक सामान्य फोटो ट्रांजिस्टर की पहचान संख्या ACP 132 या OCP 70 है। इसके अतिरिक्त BEL कंपनी का BC 107 ट्रांजिस्टर भी फोटो ट्रांजिस्टर का कार्य कर सकते हैं। इस प्रयोजन हेतु ट्रांजिस्टर के खोल के शीर्ष को घिसकर हटाना पड़ता है, जिससे कि प्रकाश किरणें उसके बेस तक पहुंच सके। अब आता है IR LED, इंफ्रारेड लाइट इमिटिंग डायोड। यह एक विशेष प्रकार का LED है। इसे गैलियम एल्यूमिनियम आर्सेनाइड से बनाया जाता है। फॉरवर्ड बायस अवस्था में 150 डिग्री सेंटीग्रेड परिवेशी तापमान पर इसमें से 20 मिली एम्पियर तक धारा प्रवाहित हो सकती है। इसका उपयोग अवरक्त किरणों इंफ्रारेड रेस की आवृत्ति प्रास की अति निकट आवृत्ति पर प्रकाश किरणें उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग जासूसी उपकरणों में भी किया जाता है, क्योंकि यह इंफ्रारेड रेस पैदा करता है जिन्हें सामान्यतः मानव आँख से नहीं देखा जा सकता। तो IR LED का यह प्रतीक है। LDR या प्रकाश निर्भर प्रतिरोधक। LDR या लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर। इसका निर्माण सिलिनियम से किया जाता है। इसकी विशेषता यह है कि प्रकाश किरणों के आपतन से इसका रेजिस्टेंस मान घट जाता है,
इसमें से प्रवाहित होने वाली करंट का मान बढ़ जाता है। दूसरे शब्द में यह प्रकाश सुग्राही रजिस्टर है। इसका उपयोग प्रकाश नियंत्रित कंट्रोल सर्किट में किया जाता है। इसके उपयोग से किसी संकरे मार्ग से गुजरने वाले व्यक्तियों की गणना करने वाला यंत्र, कार या टॉर्च के प्रकाश से खुलने वाला दरवाज़ा, सूर्य के प्रकाश में स्वतः बंद हो जाने एवं अंधकार में स्वतः चालू हो जाने वाली स्ट्रीट लाइट आदि की व्यवस्था में की जा सकती है। तो ये LDR का प्रतीक है। ये सिंबल आपसे परीक्षा में पूछ सकते हैं, LDR का सिंबल कैसा होता है। फिर आता है लेजर डायोड। शब्द लेजर लाइट एम्प्लीकेशन ऑफ सिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन का ये संक्षिप्त रूप है। लेजर का फुल फॉर्म क्या है? लाइट एम्प्लीफिकेशन ऑफ स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। लेजर डायोड एक ऐसी अर्धचालक युक्ति है जिसमें से धारा प्रवाहित करने पर दृश्य अवरक्त आवर्ती परास में संगत उत्सर्जन कोहरेंट रेडिएशन पैदा होता है। संगत उत्सर्जन से अभिप्राय है ऐसा उत्सर्जन जिसमें तरंग की आवृत्ति तथा फेस एक ही रहें। LED के समान ही यह दृश्य अवरक्त आवृत्ति परास में प्रकाश उत्पन्न करता है, जबकि IR LED अदृश्य अवरक्त आवृत्ति परास में प्रकाश उत्पन्न करता है। लेजर डायोड के द्वारा उत्पन्न प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 405 नैनोमीटर से 2200 नैनोमीटर तक होती हैं। सामान्यतः इसे शक्ति ट्रांजिस्टर PT4 PT6 जैसी आकृति में बनाया जाता है, जिसके शीर्ष पर प्रकाश किरणों के आपतन हेतु एक कांच की खिड़की रखी जाती है। इसका प्रतीक वही है जो कि LED या RIR LED का होता है। लेजर डायोड का निर्माण एक अर्धचालक चिप पर डोपिंग विधि से N क्षेत्र तथा P क्षेत्र एक दूसरे के ऊपर बनाकर किया जाता है, जिससे कि PN संगम डायोड का रूप ले सके। ये ग्लास विंडो है। तो ये लेजर डायोड का सिंबल है। विशेषता, लेजर डायोड की मुख्य विशेषता यह है कि इसका LI वक्र अर्थात प्रकाश तीव्रता L और प्रकाश उत्पादन हेतु आरोपित धारा के मध्य खींचा गया वक्र। लेजर डायोड का प्रचलन बिंदु आरोपित धारा के परिमाण से निर्धारित किया जा सकता है। अनुप्रयोग, लेजर डायोड का उपयोग बार कोड रीडर, ऑप्टिल फाइबर प्रणाली, CD प्लेयर, लेजर प्रिंटर, रिमोट कंट्रोल युक्तियों आदि में किया जाता है। विशिष्ट लेजर डायोड की पहचान संख्या है LD 37570 mg। दूसरा है RLT 430 50 cmg। अब आता है जीनर डायोड। यह सिलिकॉन जंक्शन डायोड है जिसके रिवर्स बायस अभिलक्षण का उपयोग वोल्टेज रेगुलेशन के लिए किया जाता है। यह एक सिलिकॉन PN जंक्शन डायोड है जिसका फॉरवर्ड रेजिस्टेंस कम होता है और रिवर्स रेजिस्टेंस बहुत अधिक होता है। जब इस डायोड को रिवर्स बायस दी जाती है तो बहुत कम करंट प्रवाहित होती है, किंतु जब इसकी रिवर्स बायस को और अधिक बढ़ाया जाता है तो एक स्थिति ऐसी आती है कि जीनर करंट अचानक बहुत अधिक बढ़ जाती है। इस स्थिति के वोल्टेज को एवलांच वोल्टेज कहते हैं। जेनर डायोड के इस अभिलक्षण का उपयोग पावर सप्लाई के DC वोल्टेज का रेगुलेशन करने के लिए किया जाता है। तो इसमें देखिए, वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट में जीनर डायोड का प्रयोग किया गया है और बी में जीनर डायोड का अलग से सिंबल भी प्रदर्शित किया गया है। जैसा कि चित्र में दर्शाया है कि इस डायोड को वोल्टेज रेगुलेशन के लिए रिवर्स बायस दशा में जोड़ा जाता है तथा सप्लाई सर्किट के सीरीज में जीनर डायोड से पहले एक रेजिस्टेंस RLIM लगाया जाता है। इसे लिमिटर रेजिस्टेंस कहते हैं। यह रेजिस्टेंस इनपुट वोल्टेज के जीनर वोल्टेज से अधिक होने की दशा में अतिरिक्त वोल्टेज को ड्रॉप कर देता है और इस प्रकार जीनर डायोड को नष्ट होने से बचाता है। इसके अतिरिक्त आर लिमिट का एक लाभ यह होता है कि वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट के आउटपुट पर एक स्थिर व निश्चित वोल्टेज प्राप्त होते हैं। इनपुट वोल्टेज बढ़ने पर अतिरिक्त करंट लोड सर्किट से प्रवाहित न होकर जीनर डायोड से बाईपास हो जाती है। आर लिमिट की गणना हेतु सूत्र है Vin-VZ/IZ। आर यानी लिमिटर प्रतिरोध ओम में है। वी इन इनपुट वोल्टेज है, VZ जीनर डायोड का वोल्टेज है, IZ जीनर डायोड की करंट है एम्पियर में, जबकि लोड सर्किट से नहीं जुड़ा हूँ। अब आता है देखिए वैरेक्टर डायोड। यह अर्धचालक से बना PN जंक्शन डायोड है जो रिवर्स बायस की दशा में कैपेसिटर जैसा कार्य करता है। इसके बायस वोल्टेज को परिवर्तित करने पर जंक्शन पर बना डिप्लीशन क्षेत्र भी परिवर्तित होता है, अतः इसका कैपेसिटेंस भी परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार यह वेरिएबल कैपेसिटर के भांति कार्य करता है।
अतः इसे वेरिकैप भी कहते हैं। इसका उपयोग रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग सर्किट में किया जाता है, जैसा कि चित्र में दर्शाए गए हैं। एक आरएफ ट्यूनिंग सर्किट में वेक्टर डायोड का उपयोग और उसका प्रतीक अलग से दे रखा है। इसको प्रतीक बना लीजिए। टनल डायोड, यह अर्धचालक से बना एक पीएन जंक्शन डायोड है, जिसका जंक्शन अत्यंत संकरा तथा पीएन क्रिस्टल का डोपिंग बहुत अधिक होता है, जिसके कारण टनल डायोड नेगेटिव रेजिस्टेंस का गुण प्रदर्शित करता है। इस डायोड को फॉरवर्ड दिशा में दी गई बायस को धीरे धीरे बढ़ाने पर प्रारंभ में अधिक करंट प्रवाहित होती है, जो बाद में घटकर नगण्य हो जाती है तथा बायस और अधिक बढ़ने पर पुनः बढ़ने लगती है। टनल डायोड को नेगेटिव बायस देने पर यह नेगेटिव रेजिस्टेंस का गुण प्रदर्शित नहीं करता। तो ये टनल डायोड का प्रतीक चिन्ह है और फॉरवर्ड दिशा में अभिलक्षण कर्व। टनल डायोड का उपयोग अत्यधिक उच्च फ्रीक्वेंसी पर एम्पलीफायर गेट सर्किट तथा ऑसिलेटर के सर्किट में किया जाता है। टनल डायोड का प्रतीक और अभिलक्षण वक्र आपने भी देखा। अब फोटोवोल्टाइक सेल, फोटोवोल्टाइक सेल यह अर्धचालक युक्ति है जो प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। सोलर सेल फोटोवोल्टाइक सेल ही होती है। इसमें अर्धचालक सिलिकॉन या सिलिनियम एक पतली पत्ती होती है, जिस पर प्रकाश पड़ने से इसमें इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होकर चांदी से बने कलेक्टर पर एकत्रित हो जाते हैं। इस प्रकार अर्धचालक पत्ती तथा कलेक्टर के मध्य ईएमएफ प्राप्त होता है। कलेक्टर पर नेगेटिव तथा अर्धचालक पत्ती पर पॉजिटिव विभव उत्पन्न होता है। चित्र में इसका सिंबल दर्शा है। फोटोवोल्टिक सेल का उपयोग सौर बैटरी बनाने में किया जाता है, जिसे फोटो सेल भी कहते हैं। ये फोटोवोल्टिक सेल का सिंबल है, इसको अपनी कॉपी में बना लीजिए। अब आता है टेट्रोड ट्रांजिस्टर। चार टर्मिनल वाला वह रजिस्टर है जिसमें अमीटर, कलेक्टर तथा दो बेस, बेस वन और बेस टू होते हैं, और जिसका उपयोग हाई फ्रीक्वेंसी सर्किट में किया जाता है। इस ट्रांजिस्टर में सामान्य ट्रांजिस्टर के समान तीन पी तथा एन टाइप के क्रिस्टल होते हैं। पहला तथा तीसरा क्रिस्टल अमीटर और कलेक्टर होते हैं, जिनसे एक एक कनेक्शन जुड़कर बाहर आता है, और मध्य वाला क्रिस्टल बेस है, इस जिसके दो विपरीत सिरों से दो कनेक्शन जोड़े जाते हैं, जो क्रमशः बेस वन बेस टू कहलाते हैं। बेस टू के कारण बेस क्रिस्टल का रेजिस्टेंस घट जाता है, और इसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह बढ़ जाने के कारण यह ट्रांजिस्टर हाई फ्रीक्वेंसी पर भी अच्छी तरह कार्य करता है। तो चित्र में टेट्रो ट्रांजिस्टर का प्रतीक ये दर्शाया गया है। ये अपनी कॉपी में बना लीजिए टेट्रो ट्रांजिस्टर। इसकी कार्यप्रणाली आपने देखी, तो इसमें बेस वन और बेस टू दो हैं, कलेक्टर और इमीटर भी हैं। आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का आकार छोटा तथा भार कम करने के लिए बहुत छोटे आकार में कैपेसिटर, रेजिस्टर, डायोड तथा ट्रांजिस्टर को जोड़कर एक टुकड़े चिप के ही अंदर संयुक्त रूप से बनाए गए सर्किट विशेष को हम इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं, आईसी। एक आईसी के अंदर एक या एक से अधिक सर्किट होते हैं। सर्किट के कनेक्शन पिनों के रूप में बाहर निकलते हैं। आईसी का वर्गीकरण ये तीन प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के होते हैं। ये मोनोलिथिक, थिन फिल्म, थिक फिल्म और हाइब्रिड। मोनोलिथिक आईसी, इस प्रकार के आईसी में सभी आवश्यक कंपोनेंट एक पतले वेफर पर बने होते हैं, यह आईसी सबसे अधिक प्रचलित है। थिन फिल्म आईसी, इस प्रकार के आईसी 0.001 इंच मोटाई के सीट पर कैपेसिटर, रजिस्टर तथा डायोड बनाए जाते हैं। साधारणतः इसमें ट्रांजिस्टर नहीं होता, अतः इस प्रकार की आईसी कम प्रचलित होती हैं। थिक फिल्म आईसी, इस प्रकार के आईसी की बनावट थिन फिल्म आईसी की जैसी होती है, किंतु इसकी सबस्ट्रेट सीट की मोटाई अधिक होती है, यह भी कम प्रचलित है। चौथा है हाइब्रिड आईसी। इस आईसी की निर्माण विधि मोनोलिथिक तथा थिन फिल्म दोनों ही प्रकार के आईसी के मिश्रण से बनी होती है, अतः इसे हाइब्रिड आईसी कहा जाता है। कार्य के आधार पर आईसी निम्न प्रकार के हैं, लीनियर और नॉन लीनियर या डिजिटल। लीनियर आईसी, इस प्रकार के आईसी का आउटपुट उसके इनपुट का समानुपाती होता है। इस प्रकार के आईसी का एएफ, आईएफ, वीडियो एम्पलीफायर, मॉड्यूलेटर, वोल्टेज रेगुलेटर तथा डिफरेंशियल एम्पलीफायर में उपयोग होता है। नॉन लीनियर या डिजिटल आईसी, इस प्रकार के आईसी का आउटपुट उसके इनपुट का समानुपाती नहीं होता है। इन आईसी का उपयोग कंप्यूटर, कैलकुलेटर तथा इसी प्रकार के अन्य उपकरण में किया जाते हैं। कंप्यूटर के निम्न सर्किट में डिजिटल आईसी का उपयोग होता है। डाटा सेलेक्टर में,
डाटा डिस्ट्रीब्यूटर में, डिकोडर में, काउंटर में, लॉजिक एलिमेंट्स में, मेमोरी सेल्स में, एडर में, सबट्रैक्टर में, गेट में, फ्रीक्वेंसी डिवाइडर में और ट्रांसलेटर और इन्वर्टर में। तीन में डिजिटल आईसी का प्रयोग होता है। मोनोलिथिक आईसी की संरचना। आईसी में मुख्य आधार सबस्ट्रक्चर चिप कहलाता है। मोनोलिथिक आईसी में सबस्ट्रक्चर पी टाइप सिलिकॉन का बना होता है। उचित पदार्थों का डिफ्यूजन करके इस सबस्ट्रेट पर डायोड, ट्रांजिस्टर, रेजिस्टर तथा कैपेसिटर आदि निर्मित किए जाते हैं। तो इसकी संरचना अभी हम देखते हैं। डायोड एक या एक से अधिक डायोड बनाने के लिए सबस्ट्रेट के ऊपर उचित स्थान पर डिफ्यूजन द्वारा एन टाइप पदार्थ जमा दिया जाता है। ट्रांजिस्टर जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है कि बड़े एन टाइप क्षेत्र एन वन को पी टाइप सबस्ट्रेट पी वन में डिफ्यूज कर दिया जाता है, यह कलेक्टर बन जाता है। एन वन में पी टाइप क्षेत्र पी टू डिफ्यूज कर दिया जाता है, इस प्रकार यह बेस बन जाता है। इसके पश्चात पी टू में एन टाइप क्षेत्र में एन टू में क्षेत्र को डिफ्यूज करके अमीटर बनाया जाता है। रजिस्टर बनाने के लिए नाइक्रोम या यूरिका वेफर में डिफ्यूज कर दिया जाता है। तो एक मोनोलिथिक आईसी की संरचना का यह चित्र देखा है और इसका ये इंटरनल सर्किट का ये डायग्राम भी दे रखा है, जिसमें कैपेसिटर, रजिस्टर, डायोड, ट्रांजिस्टर इत्यादि सभी एक साथ शो हो रहे हैं आईसी में। कैपेसिटर सबस्ट्रेट में एन टाइप क्षेत्र डिफ्यूज करके कैपेसिटर की एक प्लेट बनाई जाती है। इसके ऊपर एक ऑक्साइड लेयर बनाई जाती है जो डाई इलेक्ट्रिक का कार्य करती है। इस ऑक्साइड लेयर को जमा कर कैपेसिटर की दूसरी प्लेट बनाई जाती है। तो मोनोलिथिक आईसी की संरचना, इसको आप अपनी स्केचबुक में बना लीजिए। अब आता है RTD, रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट होता है कि रेजिस्टेंस द्वारा तापक्रम को मापना। हम जानते हैं कि तापक्रम बढ़ने से सभी कंडक्टर्स का रेजिस्टेंस बढ़ता है। इसमें पदार्थों रेजिस्टेंस टेम्परेचर को कोफिशिएंट के गुण का उपयोग किया जाता है। तो ये रेजिस्टेंस थर्मामीटर का चित्र दे रखा है। तो पायरेक्स ग्लास एनवलप है, कंपेंसेटिंग लीड्स हैं, रेजिस्टेंस कोइल हैं, माइका फॉर्मर। रेजिस्टेंस थर्मामीटर, इन थर्मामीटर में तांबा, निकल, प्लेटिनम, टंगस्टन धातु का उपयोग किया जाता है, जिनमें प्लेटिनम अधिकतर उपयोग होता है। पायरेक्स कांच के एनवलप के अंदर अब्रक फार्मर पर रेजिस्टेंस कोइल लिपटी होती है जो उचित रूप से कसी होती है। कांच के एनवलप के अंदर निष्क्रिय गैस भर दी जाती है या निर्वात कर दिया जाता है। इस बल्ब को व्हीट स्टोन ब्रिज जैसे सर्किट में संयोजित कर दिया जाता है। इस ब्रिज सर्किट में 1 मिली एम्पियर मीटर लगा होता है, जिसके डायल पर तापक्रम का कैलिब्रेशन होता है। जब इसके द्वारा तापक्रम मापा जाता है तो इसकी रीडिंग मिली एम्पियर मीटर के डायल पर पड़ी जाती है। रेजिस्टेंस थर्मामीटर सेमी कंडक्टर थर्मिस्टर से बनाए जाते हैं, जिसमें सेमी कंडक्टर का NTC का गुण का उपयोग होता है। SCR अथवा थायरिस्टर। SCR 3 टर्मिनल्स और 4 परतों वाली एक सॉलिड स्टेट युक्ति है जो बाह्य वोल्टेज से नियंत्रित होकर किसी विद्युत सर्किट को ऑन ऑफ कर सकती है। SCR को थायरिस्टर भी कहते हैं। तो एक सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर की संरचना तथा उसका प्रतीक। संरचना, इसमें पी टाइप तथा एन टाइप सेमीकंडक्टर क्रिस्टल इस प्रकार विशेष क्रम में आपस में जुड़े रहते हैं कि 3 PN जंक्शन बन जाते हैं। इस संरचना में से 3 टर्मिनल प्राप्त किए जाते हैं। पहले पी क्रिस्टल को एनोड कहते हैं, विपरीत सिरे पर लगे एन क्रिस्टल को कैथोड कहते हैं तथा कैथोड से जुड़े पी क्रिस्टल को गेट कहते हैं। इसके एनोड पर अधिक पॉजिटिव वोल्टेज दिया जाता है तथा कैथोड नेगेटिव वोल्टेज और गेट पर कम पॉजिटिव वोल्टेज दिया जाता है। कार्य सिद्धांत, लोड सर्किट को SCR के एनोड के सीरीज में जोड़ा जाता है और एनोड को कैथोड की अपेक्षा अधिक पॉजिटिव वोल्टेज पर रखा जाता है। जब SCR के गेट पर कोई कंट्रोल वोल्टेज नहीं दिया जाता है तो उस दशा में जंक्शन J2 पर रिवर्स बायस होती है, जबकि शेष दोनों जंक्शन पर फॉरवर्ड बायस होती है। इस दशा में SCR कट ऑफ स्थिति में आ जाता है और लोड में करंट नहीं बहती। ऐसी दशा में यदि सप्लाई वोल्टेज बढ़ा दिया जाए तो जंक्शन J2 का ब्रेकडाउन हो सकता है और SCR कंडक्ट करके ऑन हो सकता है। SCR का सर्किट है जबकि गेट पर वोल्टेज नहीं दिया गया है। ब्रेक ओवर वोल्टेज, SCR के कैथोड एनोड के मध्य दिए जाने वाला वह वोल्टेज है जिस पर SCR कंडक्ट करने लगता है जबकि इसके गेट पर कोई वोल्टेज नहीं दिया गया हो।
जब SCR के गेट पर उसके कैथोड के अपेक्षा पॉजिटिव वोल्टेज थोड़ी सी मात्रा में दे दी जाती है तो जंक्शन J2 को फॉरवर्ड बायस मिलने के कारण वह पूर्ण रूप से कंडक्ट करने लगता है और लोड सर्किट ऑन हो जाता है। जब SCR कंडक्ट करने लगता है तो इस करंट पर गेट वोल्टेज का नियंत्रण समाप्त हो जाता है। इस दशा में SCR में कंडक्शन रोकने के लिए सर्किट के वोल्टेज को घटाकर शून्य करना होगा। चित्र में SCR सर्किट दर्शाया गया है जिसमें गेट पर कैथोड की अपेक्षा धनात्मक वोल्टेज प्रदान की गई है। चित्र बी में SCR का वक्र अभिलक्षणिक वक्र भी दिया गया है। ये है SCR का सर्किट जब गेट पर कैथोड की अपेक्षा पॉजिटिव वोल्टेज दिया गया हो। होल्डिंग करंट SCR गेट ओपन रहने की दिशा में वह अधिकतम एनोड करंट जिस पर SCR ऑन से ऑफ दशा में पहुंच जाते हैं। फॉरवर्ड करंट रेटिंग वह अधिकतम करंट है जिसे SCR बिना किसी हानि के पास कर सकता है। सिलिकॉन कंट्रोल स्विच इसे संक्षेप में SCS कहते हैं। इसमें SCR के समान PN अचालक पदार्थों की चार परतें होती हैं। इसकी संरचना प्रतीक अभी आप देखेंगे। इसमें चार टर्मिनल होते हैं एनोड कैथोड कैथोड गेट GK और एनोड गेट GA। यह SCR की तुलना में आकार में छोटा होता है। SCR के अपेक्षा कम वोल्टेज तथा धारा पर ऑपरेट होता है। इसके ट्रिगरिंग के लिए कम सूक्ष्म ट्रिगरिंग बायस की आवश्यकता होती है। SCS को एक PNP तथा एक NPN ट्रांजिस्टर के समांतर संयोजन में चित्र में दर्शे आरेख के समतुल्य माना जा सकता है। तो ये आपके सामने अभी ये SCS की संरचना और इसका प्रतीक दे रखा है। इसको आप अपनी स्केचबुक में बना लीजिए। अब आता है थर्मिस्टर। थर्मिस्टर एक प्रकार का प्रतिरोधक है जिसका प्रतिरोध उसके ताप के साथ बहुत अधिक परिवर्तित होता है। अन्य प्रकार के प्रतिरोधों का मान भी ताप के परिवर्तित होने पर परिवर्तित होता रहता है, किंतु यह परिवर्तन बहुत कम होता है, जबकि थर्मिस्टर का ताप बदलने पर इसका प्रतिरोध बहुत अधिक बदल जाता है। थर्मिस्टर शब्द थर्मल और रजिस्टर को मिलाकर बना है। थर्मिस्टर का प्रयोग इंडस धारा रोकने, ताप संसूचक, सेल्फ रिसेटिंग, ओवर करंट प्रोटेक्टर तथा स्वयं नियंत्रित हीटिंग एलिमेंट में बहुतायत से होता है। ताप के परिवर्तन के साथ प्रतिरोध के परिवर्तन की दृष्टि से थर्मिस्टर दो प्रकार के होते हैं। पहला है धनात्मक ताप गुणांक वाले थर्मिस्टर PTC जिनका प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर बढ़ता है। दूसरा है ऋणात्मक ताप गुणांक वाले थर्मिस्टर NTC जिनका प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर घटता है। ये थर्मिस्टर का प्रतीक है। ये थर्मिस्टर इस प्रकार के होते हैं NTC थर्मिस्टर। धनात्मक ताप गुणांक वाले थर्मिस्टर परिपथ की सुरक्षा के लिए धारा को सीमित करने वाले अवयव के रूप में फ्यूज की जगह लगाया जाता है। कैथोड किरण नलिका की डीगॉसिंग के लिए टाइमर की तरह लगाया जाता है। वाहन उद्योग में हीटर की तरह ठंडे प्रदेशों में डीजल को गर्म करने के लिए लगाए जाते हैं। बहुत से मोटरों और ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग के अति तापन को पता करके सर्किट ब्रेक करने के लिए इसका उपयोग होता है। अब ऋणात्मक ताप गुणांक वाले थर्मिस्टर 10 डिग्री केल्विन के आसपास के निम्न ताप के मापन के लिए 10 डिग्री केल्विन के आसपास के निम्न ताप के मापन के लिए पावर सप्लाई आदि में अंतर प्रवाह धारा इंडस करंट को रोकने के लिए सामान्य ताप पर इनका प्रतिरोध अधिक होता है, धारा कम बहती है। धारा बहने से गर्म होते हैं और इनका प्रतिरोध क्रमशः कम होकर नगण्य हो जाता है, अर्थात थोड़ी देर में यह परिपथ में कोई अवरोध नहीं करते, जैसे परिपथ में हो ही नहीं। वाहनों में ताप मापन के लिए इंजन शीतलक का ताप, इंजन के तेल का ताप, केबिन के हवा का ताप इत्यादि। 3D प्रिंटर के गर्म सिरे का ताप मापने के लिए ताकि उसके ताप को नियत रखा जा सके। टोस्टर, कॉफी बनाने की मशीन, रेफ्रिजरेटर, फ्रीजर इत्यादि में प्रयोग होता है। थैंक यू।